हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न वोकैबुलरी विद इजी ट्रिक्स आज का हमारा पहला वर्ड है एक्सक्रूसिएटिंग एक्सक्रूसिएटिंग मींस अत्यंत तकलीफ दे एक्सट्रीमली पेनफुल एग्नाइजिंग कह सकते हैं हम रेंचिंग कह सकते हैं टॉर्चरस कह सकते हैं अब इसको हम कैसे याद रखेंगे एक्सक्रूसिएटिंग को हमने स्क्रू और सीटिंग इसमें इसकी साउंड आ रही है एक्सक्रूसिएटिंग में स्क्रू सीटिंग स्क्रू मीन्स जो पेंच या कील होती है अगर स्क्रू के ऊपर सिटिंग करोगे अगर आप स्क्रू के ऊपर बैठ जाओगे बाय चांस गलती से अगर हम बैठ जाते हैं तो एक्सट्रीमली पेनफुल होता है यानी कि अगर स्क्रू के ऊपर पेज के ऊपर बैठेंगे तो क्या होगा एक्सट्रीमली पेनफुल होगा एक्सक्रूसिएटिंग होगा अगर हम स्क्रू पर सिटिंग करेंगे तो क्या होगा एक्सक्रूसिएटिंग होगा नेक्स्ट है हमारा एक्सपोस्टुलेट एक्सपोस्टुलेट मीन्स विरोध प्रकट करना डिसएग्री स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट या हम कह सकते हैं प्रोटेस्ट कह सकते हैं कंप्लेन कह सकते हैं अब एक्सपोस्टुलेट को हम कैसे याद रखेंगे एक्सपोस्टुलेट को हमने एक्सपोज टू लेट एक्सपोस्टुलेट एक्सपोज टू लेट एक्स इस बाबा को एक्सपोज करने में बहुत लेट हो गए हो अब इसके भक्त आपका विरोध करेंगे क्या करेंगे एक्सपोस्टुलेट करेंगे यानी कि कोई सिचुएशन है जिसमें हम कह रहे हैं कि कोई ढोंगी बाबा है उसको एक्सपोज करने में आप बहुत लेट हो गए हो एक्सपोज करने में टू लेट हो गए इसलिए अब उसके भक्त क्या करेंगे उसके भक्त अब एक्सपोस्टुलेट करेंगे विरोध करेंगे नेक्स्ट है हमारा एक्स्ट्रा वेगेंजा एक्स्ट्रा वेगेंजा मीन्स फिजूल खर्ची कहेंगे हम मीनिंग आप कह सकते हैं एक्साइटिंग एंड एक्सपेंसिव इवेंट अब एक्स्ट्रा वैगेंजा को हम कैसे लर्न करेंगे EXtra में एक तो आगे और को हमने गांजा गांजा से रिलेट कर लिया वो गांजा के चक्कर में बहुत एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर रहा है फिजूल खर्ची कर, खर्च, कर रहा है फिजूल खर्ची कर रहा है एक्स्ट्रा गांजा के चक्कर में क्या कर रहा है एक्स्ट्रा वैगेंजा कर रहा है फिजूल खर्ची कर रहा है नेक्स्ट है फॉल्टर फोल्टर मीन्स हिचकिचाना और लड़खड़ाना दोनों ही मीनिंग है इसकी हेजिटेट करना अब फॉल्टर को हम कैसे याद करेंगे फोल्टर को हमने फोल्ट से लर्न कर लिया फोल्ट अगर हम फोल्ट करते हैं अगर हमारी कोई हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम पेरेंट्स से बात करने में हिचकिचाते हैं या हमारी जुबान लड़खड़ाती है मान लो हमसे कोई गलती हो रही है और पेरेंट्स हमसे पूछे कि क्या बात है तो हम उस बात को बताने में हिचकिचाएंगे या फिर बात बताते हुए जैसे हम कभी ऐसा होता है कि झूठ बोलते हैं आदि मिक्स करके या सोच के बोलते हैं बातों को तो जुबान हमारी लड़खड़ाती है यानी कि अगर किसी हमसे कोई फोल्ट हो गया तो वो फॉल्ट बताने के लिए हम हम क्या करते हैं फोल्टर करते हैं हिचकिचाते हैं या लड़खड़ाते हैं नेक्स्ट है एग्जीक्यूशनर एग्जीक्यूशनर होता है जल्लाद जो फांसी के देता है फांसी पर जो फांसी देता है वन हु कैरीज द जॉब ऑफ एग्जीक्यूटिंग समवन हैंगमैन जिसको हम कहते हैं अब एग्जीक्यूशनर को हम एग्जीक्यूशन से ही लर्न करेंगे एग्जीक्यूशन क्या होता है एग्जीक्यूशन होता है फांसी की सजा तो एग्जीक्यूशन फांसी की सजा और एग्जीक्यूशनर यानी हमने ई आर ओ लगा दिया तो वो फांसी की सजा देने वाला जो इंसान होगा जल्लाद उसको हम कहेंगे एग्जीक्यूशनर तो एग्जीक्यूशन देने वाला जल्लाद होता है फांसी की सजा देने वाला एग्जीक्यूशनर होता है नेक्स्ट है हमारा फनाटिक फनाटिक मीन्स कट्टर एक्सट्रीमली एंथ्यूजिक uh, uh, आप रिलीजन कह सकते हो या बिलीफ कह सकते हो किसी भी चीज के लिए किसी भी बिलीफ के लिए किसी धर्म के लिए बिल्कुल कट्टर होना अब फेनाटिक को हम कैसे लर्न करेंगे फेनाटिक को हमने फैन और टिकटॉक फेनाटिक फैन टिकटॉक वह टिकटॉक का कट्टर फैन है वह टिकटॉक का फेनाटिक है टिकटॉक का वो कट्टर फैन है यानी कि फेनाटिक है नेक्स्ट है एक्सेप्शनल ये बहुत ही कॉमन वर्ड है सभी ने सुना हुआ एक्सेप्शनल मीन्स अपवाद यानी कि सबसे अलग एक समूह में अगर हम जैसे ये पिक्चर देखें तो सब एक जैसे हैं लेकिन ये अपवाद है इसमें ये अलग है कुछ भी किसी भी तरह से अलग हो सकता है तो एक्सेप्शनल उसको कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अनयूजल नोटेबल हम इसको बोल सकते हैं एक्सेप्शनल को हमने एक्सेप्ट नल ऐसे याद कर लिया एक्सेप्शनल एक्सेप्ट नल वैसे इसको इसकी जरूरत भी नहीं है ट्रिकी वैसे भी आपको याद होगा इस नल को छोड़कर बाकी सब क्या है अनयूजल है एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़कर बाकी जो सभी नल है वो क्या है अनयूजल है एक्सेप्शनल है नेक्स्ट है एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट मीन्स खर्च कर देना भी होता है और थका देना भी होता है दोनों मीनिंग होते हैं इसके टू स्पेंड टू मेक टायर्ड टायर आउट या फटीक फटीक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका सिने है एग्जोस्ट का फटीग एग्जोस्ट को हमने कैसे याद किया एग्जोस्ट को हमने एक्स्ट्रा होस्ट एग्जोस्ट एक एक्स्ट्रा हो, होस्ट होस्ट लोगों को कभी कभी मेहमानों पर एक्स्ट्रा भी खर्च करना पड़ता है अगर हम पार्टी वार्टी रख रहे हैं अपने घर पे तो हमें एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है तो होस्ट लोगों को एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है या फिर जो दूसरा मीनिंग है थका देना उसको हम ये कह सकते याद कर सकते हैं होस्ट टीम ने विपक्षी टीम को थका दिया यानी कि जो होस्ट टीम थी जिनके जिस भी कंट्री में वो खेल हो रहे हैं वो जो होस्ट टीम थी उन्होंने बाहर से आने वाली टीम को थका दिया एग्जोस्ट कर दिया फटिक कर दिया नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रीफाई बोल सकते हैं एक्सिलरेट को हमने हिलेरियस से लर्न कर लिया हिलेरियस हिलेरियस भी होता है जबरदस्त बहुत आनंद वाली बात है जिसको हम बोलते हैं हिलेरियस जो हिला दे बिल्कुल अंदर से हमें बिल्कुल खुश कर दे तो एक्सिलरेट को हमने हिलेरियस से रिलेट कर लिया उसके हिलेरियस जॉक ने मुझे आनंदित कर दिया उसके हिलेरियस जॉक हिलेरियस जॉक्स ने हम मुझे क्या कर दिया एक्सिलरेट कर दिया बहुत ज्यादा आनंदित कर दिया नेक्स्ट है फैड फैड मींस फैशन में होना एक क्रेज फैशन वो कह सकते हो ट्रेंड या रेज कह सकते हो फैड को हमने अब फैड की दो हम चाहे फैड या डेड चाहे डैड से याद कर करें फैड फैड को हम फैशन एंड डिजाइनिंग वैसे भी फैशन और तो इसका मीनिंग भी फैशन है तो एफ से फैशन ए से एंड एंड डिजाइन फैशन एंड डिजाइन से भी याद कर सकते हो या फिर हम फैड डैड तो फैशन एंड डिजाइन का कोर्स करने वाले फैशन में होते हैं या फिर हम कह सकते हैं मेरे डैड आजकल फैशन में रहते हैं मेरे डैड आजकल फैड में रहते हैं या फिर एफ एडी को फैशन एंड डिजाइनिंग कह सकते हैं नेक्स्ट है फैंसियर शौकीन लवर एंथुजियास्ट जंकी अब फैंसियर को हम फैंसी से ले कर, कर लेते हैं वह है फैंसी ड्रेसेस का बड़ा शौकीन है वह फैंसी ड्रेसेस का बहुत फैंसियर है फैंसी ड्रेस का शौकीन है नेक्स्ट है फास इसकी प्रनाशन है फास फास मीन्स तमाशा के जैसे कोई घटना एन एब्सर्ड इवेंट एबसर्ड एब्सर्ड मीन्स बेतुका निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं हो ऐसा कोई इवेंट एब्सर्ड इवेंट मोकरी जिसको हम बोले अब फास को हमने अगर इसकी स्पेलिंग देखें तो एफ ए आर फार हमने फार और सी ई से तो इसको हमने लिख दिया एस ई फार से यानी कि दूर से वह दूर से देखकर ही समझ गया था कि वहां कोई तमाशा चल रहा है दूर से ही देखकर वो समझ कि क्या चल रहा है वहां पर कोई फास्ट चल, फास फास चल रहा है फार से ही देखकर समझ गया चल रहा है नेक्स्ट है फेटल फेटल मींस घातक हैविंग सीरियस एंड डेडली इफेक्ट और डेडली भी कहेंगे इसको लिथल भी कह सकते हैं कैटस्ट्रोफिक भी कह सकते हैं कैटेस्ट्रॉफी हम पहले पढ़ चुके हैं उसमें हमने याद किया था कैट ने ट्रॉफी कैट, कैट ने ट्रॉफी यानी कि कैट ने ट्रॉफी को गिराकर बहुत बड़ा संकट पैदा कर दिया था बहुत प्रॉब्लम पैदा कर दी थी ये हमने याद किया था फेटफुल भी कह सकते हैं अब फैटल को हमने लर्न किया मेटल फैटल मेटल मरकरी मेटल बहुत ही घातक है मरकरी मेटल बहुत फैटल है मरकरी अगर हम आ, हमारी अगर हम, 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 हम खा लेते हैं या बाई चांस हमारी शरीर में चला जाता है तो बहुत ज्यादा बीमारियां पैदा कर सकता है और हमारे लिए बहुत पॉइजनस है धीरे धीरे हम डेथ की डेथ की तरफ चले जाते हैं तो मर्करी मेटल बहुत ही घातक है अब मरकरी की अगर बात आई है तो हम एक बार साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें कि मरकरी क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मरकरी पर मरकरी क्या बनता है कि किस किस इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है तो मरकरी थर्मामीटर में यूज होता है बैरोमीटर में यूज होता है बैरोमीटर क्या होता है बैरोमीटर जो वायुमंडलीय दाब मेजर करता है एटमोस्फेरिक प्रेश। प्रेशर को मेजर करता है उसको बैरोमीटर तो उसमें मरकरी यूज होता है स्फिगमोमेनोमीटर में भी मरकरी यूज होता है स्फिग्मोमेनोमीटर क्या होता है जो डॉक्टर के पास होता है बीपी चेक करने के लिए ब्लड प्रेशर जो हमारा चेक करता है स्फिगोमेनोमीटर तो फोर्चुन, अब फेट को हम गेट से रिलेट कर लें। फेट गेट, गेट पर बैठकर वह अपनी डेस्टिनी कोस रहा था कुछ गलत हो गया किसी के साथ और उसे लग रहा है की अभी तो कैसे ठीक होगा तो बहुत निराश है तो गेट पर बैठ कर क्या कर अपने फेट को कोस रहा है या अपने भाग्य पर रो रहा है नेक्स्ट है फेट फुल जो पिछला वर्ड किया था उसी में आगे फेट फुल वर्ड और एड हो गया इसका मीनिंग होगा महत्वपूर्ण पर दुर्भाग्यपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट तो हो वो चीज लेकिन नेगेटिव वे में हैविंग इम्पोर्टेंट बट नेगेटिव इफेक्ट होना चाहिए उसका डिजास्टर्स फैटल फैटल मीन्स घातक बहुत ही घातक अब इसमें फेटफुल को हमने फेटफुल को कैसे याद किया फेट और फुल फेट को हमने यहाँ पे हम इसको अगर हिंदी की तरह पढ़े तो इसको फटे पढ़ सकते ए टी ई फटे फटे फुल फटे हुए नोटों का फुल बैग मिलना बहुत ही अनफॉर्चुनेट है किसी को फुल बैग मिला नोटों से भरा हुआ अच्छी बात है इंपॉर्टेंट चीज है लेकिन वो सब नोट क्या थे फटे हुए थे तो क्या हो गया दुर्भाग्यपूर्ण हो गया तो फटे हुए फुल बैग नोटों का फटे हुए नोटों का फुल बैग मिलना क्या है फैटफुल है मैं तो इम्पोर्टेंट तो थी मनी बट वो क्या है दुर्भाग्यपूर्ण था डिजास्टर्स था ये थे हमारे आज के 15 वर्ड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से लर्न हो गए होंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय जै भारत